भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा किसान चौपाल का आयोजन रावण भाटा जामुल में किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे, सोनाराम डहरे, जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष निश्चय वाजपेयी, प्रदेश आरटीआई के सदस्य यशवंत सिंह ठाकुर, भाजपा जामुल मंडल अध्यक्ष संजय शर्मा, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राजेश यादव प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सर्वप्रथम अतिथियों ने माँ भारती के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर चौपाल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात अतिथियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार की लोक जनहितकारी योजनाओं के बारे में उपस्थित लोगों को बताया। इन 8 वर्षों में उन्होंने देश का नाम और देश के नागरिकों का कल्याण उन्नता से किया, इस बात को लेकर के पूरे देश के अंदर कार्यकर्ताओं सुभाषण के रूप में बनाने का फैसला किया और उसी परिप्रेक्ष्य में आज किसान मोर्चे की तरफ से किसानों के कल्याण के लिए उन्होंने जो कार्य किए उसके लिए एक बैठक का आयोजन किया गया और वहाँ पे किसानों के हितों के लिए उन्होंने जो कार्य किए उसकी चर्चा की। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो सपनों का भारत है उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता में किसान है, तो चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के दौरान ग्रामीण इलाकों में किसानों का मकान बनाने की बात हो, चाहे वो शौचालय उनके घरों में सभी गरीब घरों में बने हो या सभी ग्रामीण इलाके में हर घर से नल पहुंचे, हमारी माताओं बहनों को सुविधा हो, किसान परिवारों में उज्ज्वला योजना का लाभ मिले, ऐसी तमाम योजनाएं उन्होंने गरीब किसान और ग्रामीण इलाके के लिए बनाई और उसको लागू किया। इस सब की हम लोगों ने चर्चा की, मोदी जी का धन्यवाद भी किया। इसके साथ साथ हमारे यहाँ से ये शिकायतें आई कि पूरे ग्रामीण इलाके में प्रधानमंत्री आवास का काम ये प्रदेश की भूपेश सरकार ने बंद करा दिया और लगभग 11 लाख से अधिक मकानों को वापस कर दिया है यहाँ से। इस करके जिन किसानों के मकान बनने थे वो बन नहीं पा रहे हैं, जिनकी झोपड़ियाँ कच्ची हैं उनके मकान नहीं बन पा रहे हैं। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट की जबरन बिक्री, मट्टी मिली खाद जो खराब स्तर की खाद है उसको लेकर के जबरन बेचा जा रहा है, जिसमें किसान को लगभग 1000 रुपये एकड़ का नुकसान किया जा रहा है। और किसान का रकबा जो काटने की बात है कि अभी कोई भी आप शासकीय योजना लेंगे तो आपको 1 एकड़ कम से कम दूसरी फसल लगाना है। फसल चक्र के नाम पर एक नया दबाव बनाया जा रहा है, पहले तो इन्होंने मेड़ों के नाम पर काटा था, फसल चक्र के नाम पर खाते कम कर रहे हैं। तो इन तमाम बातों पे भूपेश बघेल जी की सरकार से बहुत नाराजगी रखी किसानों ने और हम लोगों ने एक निंदा प्रस्ताव उनका पास किया है। और इसके साथ साथ माननीय मोदी जी ने जितने उम्मीद कार्य किए हैं किसान हित में उनके लिए हम लोगों ने उनका साधुवाद धन्यवाद दिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ और इस 8 वर्ष के कार्यकाल में उनके द्वारा सेवा के क्षेत्र में, सुशासन की दिशा में और गरीब कल्याण के लिए जो कार्य किए गए उन कार्यों को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी जगह जगह एक चौपाल के रूप में उन कार्यों को लोगों को जनमानस में लाने के प्रयास कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे किसान मोर्चा के द्वारा आज जामुल में एक किसान बैठका, किसान चौपाल के रूप में आज बैठका हुई और बैठक में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के 8 वर्षों के कार्यकालों का उपलब्धियों का वहां पर जिक्र हुआ, लोगों को बताया। साथ ही प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ, छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भूपेश सरकार ने जो किसानों के लिए जो छलावा किया है और जो दिखावा किया है और जो नकली खाद के रूप में किसानों को बेचने का जो प्रयास किया है उनके संदर्भ में आज की बैठक में, आज की चौपाल में खुलकर चर्चा हुई और खुलकर के भूपेश बघेल के ऐसे कृत्यों की भर्त्सना की गई, उनकी निंदा भी की गई। वर्मी कंपोस्ट में मिलावट, खादों का सही समय में नहीं मिलना, अबीज को देना, लगातार किसान के जो है प्रदेश सरकार की इस अनीति के कारण जो आत्महत्या कर किए जा रही है, ऐसे जो उनके कार्यों को लेकर के आज की चौपाल कार्यक्रम में काफी उनकी भर्त्सना हुई, काफी निंदा की गई। साथ ही जो किसानों के
अभी जो उनके जो रकबे काटे गए हैं, किसानों के जो दाना दाना खरीदने की बात हुई थी और किसानों को दो वर्ष का बोनस देने की जो बात कही थी उन्होंने, इन तमाम क्षेत्रों में किसानों को देने की दिशा में प्रदेश की सरकार असफल रही है। इस असफल सरकार की आज की बैठक में पूर्णतः निंदा की गई उनकी भर्त्सना की।